समिति जायस में व्यापारी द्वारा लादी जा रही गेहूं की ट्राली मंडी गेट पर चौकीदारों की बाकायदा लगती है ड्यूटी। गेट से महज 20 मीटर की दूरी पर मंडी सचिव का आवास, बिना किसी रिकॉर्ड के निकल जाती है गेहूं से लदी ट्रक और ट्राली। किसी भी प्रकार की जानकारी होने से बनते हैं अनजान मंडी सचिव जायस। किसानों के हक पर व्यापारी डाल रहे हैं डाका। किसानों का अनाज कौड़ियों के भाव में खरीदते हैं व्यापारी। पीसीएफ क्रय केंद्र रानी हरबंसगंज में खरीदा जाता है व्यापारियों का अनाज। किसानों की तौल के लिए महीनों बाद का दिया जाता है टोकन। गोदाम के एक हिस्से में रहता है दलालों का कब्जा। समय से तौल ना होने के कारण किसानों को मजबूरन कौड़ियों के भाव में व्यापारियों के साथ सौदा करने के लिए हो जाते हैं मजबूर। सचिव महोदय, आपसे एक संज्ञान में प्रकरण आया है कि नवीन मंडी स्थल जायस के अंदर से व्यापारियों का गेहूं लद के बगैर किसी गेट पास पर्ची के पीसीएफ सेंटर रानीगंज जाता है, क्या इस ये प्रकरण आपके संज्ञान में है? मेरे संज्ञान में नहीं, आज आप बता रहे थे, मैं संज्ञान ले रहा हूँ। आज के बाद आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी, आज ही अभी से शिकायत नहीं मिलेगी। इस तरह की घटना हुई है तो हमसे वाकिफ नहीं, लेकिन अगर है तो आज इनको फिक्स करो। नहीं, जो वीडियो भी मैंने आपको दिखाई है उस पर आपकी क्या कार्रवाई? तो सही होगा, वीडियो किसी गलत हो जाए जी, गया है तो आपने लिया है तो वीडियो सही है, तो इस पर कार्रवाई कब तक होगी? कार्रवाई बस अभी बुला रहा हूँ कर्मचारी को, व्यापारी को। क्या आगे से पर डे सब कुछ नहीं, आज के बाद एक दरार निकल जाएगा, फिर आप हमसे बात करिए। व्यापारियों को यह कहना होता है कि मैं सभी अधिकारी को मैंने आती है, सरकारी काम सहयोग करना हमारा काम जी जी, और ये भी काम हमारा पहला दायित्व हमारा बनता है कि हम किसान को हर हाल में सुख सुविधा पहुँचाए, बाद में हमारा व्यापारी व्यापारी किसी किसान करेगा तो उसके लिए कर सकते हैं। सर जैसे पीसीएस सेंटर पे वो मतलब कोई व्यापारी है वहाँ पे गोदाम बना रखा है, आधे में सरकारी माल रखा हुआ है, आधे में खुला उसका माल रखा हुआ है, हमारी चीज नहीं है वो, हमारा चीज और थोड़ा वो क्या करते हैं, हमारा काम कांटा बांट दे देना, इसके बाद वो क्या करते हैं और जो बता रहे हैं इसकी जिम्मेदारी लगता है कि आपने सरकारी लेकिन गोदाम की अगर अनियमितता है जिसकी जांच की जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसे गोदाम को विभाग के रखे, लेकिन सर ये मंडी में अगर कोई व्यापारी मंडी का व्यापारी वहाँ जाके पीछे में लगातार बैठता है या वो उसका माल आता है, मैनेजर है, हमने टीवी अंदर की बात कर रहे हैं ना, वो मैनेजर है, अंदर हमारे अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, मंडी परिसर से बाहर की बाहर की बात कर रहे हैं जी। हमसे कोई मतलब नहीं, नहीं नहीं, हमने दे दिया कोई चीज किराया लेते हैं बस जी, अब यहाँ मार्केटिंग सेंटर है, हम किराया लेते हैं और वो क्या करते हैं उनका विभाग अलग है। एक आरोप आपके ऊपर और लगा है, एक आरोप आपके ऊपर और लगा है कि आप जो है किसान विश्राम गृह जो है उस पर आपने अपना आवास बनाया है, वो रिपेयरिंग चल रही है, महीना 15 दिन में किसानों के लिए लागू नहीं, नहीं वो बहुत पहले से आपने आवास बनाया, पहले से तो मैं आप करा दूँ, एक आध महीने खाली हो जाए किसान रुके आते हैं, अभी कोई किसान के सामने मैं उसको रुकने के अंदर व्यवस्था कर दे रहा हूँ। क्या इसमें किसानों के लिए कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे बारिश होने पर वो किसान अपना गल्ला कहीं छिपा सके? सरकारी गेहूँ वहाँ खुला गेहूँ जो रखा हुआ है वो अनाज रखा हुआ है वो कैसा है, कहाँ रखा हुआ बात कर रहे हैं जी, वो सरकारी गेहूँ उतारा जा रहा है, चलें ठीक सरकारी गेहूँ का पावर।